अभी एक बाबा बैठे हैं रिक्शे पे, और जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे लगता है काम भी नहीं होगा, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और हम एज ए पत्रकार उनसे बात करेंगे, और जो हमसे मदद हो सकती है इंशाल्लाह उसकी मदद करेंगे। शायद ये इनको काम वाम कुछ मिल नहीं रहा है। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम मुन्ना भाई कहते हैं मुझे। मुन्ना भाई, तो मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हुए हैं। एक तो मुझे आप बीमार भी लग रहे हैं। क्या करूँ, काम वाम नहीं मिल रहा, घर से परेशान है। अब मास्क लगाइए पूरा नाक पे। बच्चे हमारे यहीं रहते हैं पीछे जी। हाँ, कहाँ रहते हैं आपके बच्चे? ये राशिद गेट के अंदर गली में। अच्छा अच्छा। हाँ, और काम नहीं मिल रहा है जी। अब दिल्ली यहाँ पास में रखी है, 8 किलोमीटर है यहाँ से, 8 किलोमीटर है। खाली गए, पहले 2 नंबर पे बैठ गया, वहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर दिल्ली गया, वहाँ भी सब बंद है, क्या मिलेगा? सवारी बैठती नहीं भाई, सब उसमें बैठ जाते हैं। अब इसमें कौन बैठेगा, 5-10 रुपये कि जल्दी जाएंगे, जल्दी जाएंगे। बैटरी वाली रिक्शा में बैठ जाती, हमें यहाँ 2.5 घंटे हो गए बैठे। ढाई घंटे से इसी उम्मीद में हो कि कोई आएगा। हाँ। कोई कस्टमर आएगा। कोई कस्टमर आएगा। हाँ, कोई आए नहीं। कल तो मिल गए थे 50 रुपये काम। सिर्फ इसी उम्मीद में, कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर गए दिल्ली जी, और वहाँ रोज जा रहा हूँ, क्योंकि हमें रिक्शा रोकते नहीं, हमें जाने देते हैं, पर काम नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है, काम नहीं मिल रहा। बच्चे तो इसी उम्मीद में रहते होंगे ना कि वालिद साहब आएंगे और कुछ कमा के लाएंगे, अफ्तार होगा, सहरी होगी। अभी फ़ोन आया था मेरे पास जी। कुछ कमाई हुई? मैंने कहा अभी नहीं हुई जी। बैठा हूँ ये अशोक विहार में जी। हाँ, भाई तो कोई लोग आते हैं आस पड़ोस के लोग आपकी हेल्प करने? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, सब परेशान है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताओ, अभी आप बैठे हुए थे तो मन में क्या सोच रहे थे? सच सच बताना, क्या सोच रहे थे? कोई बंदा आ जाए, अल्लाह का बंदा, जो कुछ पैसे मिल जाए काम वाम के लिए। इसलिए हमें भी नहीं पता, आपने जब केले दिए, मैंने यही कोई अल्लाह का बंदा आ गया भाई, यही कोई मदद कर देगा मेरी, यही सोच के आपसे भी कहा मैंने। आप रो क्यों रहे थे भी? बस आपको देख के, कभी हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, ऐसा कभी किसी ने करा नहीं। देखिए, देखा आपने कि कितनी मजबूरी है। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन है, अपने घर में रहिए। सरकार ने कहा है कि बीमारी है, अपने घर में रहिए। लेकिन ये एक जो मजबूर है, जो डेली कमाने वाला व्यक्ति है, जिसका चूल्हा डेली चलता है, जब कमा के लाएगा शाम में तभी रोटी बनेगी, ये ऐसे लोग कहाँ घर में रह सकते हैं? मैं तभी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियो में, कि ऐसे लोगों की मदद किया करो, ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। अगर इनके कॉलोनी के आसपास वाले लोग इन पे नज़र करते, इनका ख्याल रखते, तो मुझे उम्मीद है ये अपने घर से बाहर ना निकलते। ईद आ रही है, अब मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 10 दिन आप घर में रहिए, जो बीमारी के 10 दिन चल रहे हैं ना, वो घर पे रहिए। अच्छा, फिर खर्चा कहाँ से चलेगा बाबू? खर्चा कैसे, हम तो उम्मीद पे निकल ही आते हैं घर से। अब आप ही बताइए। जिस अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा वो रिजक भी देगा, ठीक है ना? ये बात तो आपको जायज है, हम इसीलिए बाहर निकल रहे हैं। आप 1,000, 2,000, 3,000। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये घर में रहेंगे जी? रहेंगे, वादा वादा आपसे। खुश हैं? 2,000 रुपये तो हमारा बच्चा वो वहाँ त्योहारी में लग जाएगा जी। जी, अब 1,000 में हम खर्चा चलाएंगे, जितने दिन भी चलेगा। ये आपको बिल्कुल सच्ची बात बता, मैं मुसलमान आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ। सोचा था कि कोई आएगा अचानक से आगे रुकेगा, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के भरोसे बैठे हैं जी। जी, और देखो अल्लाह ने आप भेज दिया आज, बस अल्लाह ने भेज दिया आपको। चले खुश। हाँ, हम इंसान हैं, इंसान का काम है, खुश रहिए। चले आप घर जाइए आप। मेरा नाम मुशाहिद खान है जी। मुशाहिद खान के नाम से आप यूट्यूब पर जाओगे, मेरी बहुत सारी वीडियो है ऐसी। अच्छा, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। चलिए खान साहब, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। आप जाइए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो बिना मतलब के भी ऐसे लोगों की मदद कर दिया करो। ये जो महीना है, ये बहुत पाक महीना है, पवित्र महीना है, और अल्लाह इसमें आपको क्या दे दे मुझे नहीं पता, वो बेनियाज है, उसके पास
वो बादशाहों का बादशाह है, तो जब बादशाहों का बादशाह कुछ देगा तो बहुत बड़ा देगा। तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए, आज वो खुश है मेरा भाई, और चल दिया अब वो इसी घर पे, इसी आसमे के आज उसका काम हो जाएगा थोड़ा बहुत। और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मदद करते रहिए, ये मदद आपको उस मकाम तक पहुँचा देगी इंशाल्लाह कि जहाँ आदमी सोचता है कि उसे नेम भी मिले, फेम भी मिले, हर चीज़ आपको मिलेगी अगर आप गरीबों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी तरक्की ज़रूर मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।